कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव है? हैं, क्या नाम? खंडीवाड़ा। तेरा क्या नाम है? जानू। अरे वाह जानू। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात का एक छोटा सा गांव है और उसमें मौजूद हूँ जो कि वडोदरा से करीबन 30 या 35 किलोमीटर दूर है। और पावागढ़ एक प्रसिद्ध मंदिर है और वो मंदिर अभी आप देखें तो वो एक पीछे देख रहे हैं वो पहाड़, अभी ये थोड़ा धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है और पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है और मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोग कई दूर दूर से घूमने आते हैं। मैं भी सोचा कि जब भी वक्त मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा। इसका वीडियो मैं जो है आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो जो सामने आप देख रहे हो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है तो मैं ज़रूर से जो है अपलोड करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं नज़दीक आया हूँ लेकिन यहाँ से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है तो मैं अभी नहीं जाने वाला। तो यहाँ एक बकरी चराने वाले काका है, उनसे हम बात करते हैं। काका यहाँ होने जरा एक बार, आ आ यहाँ होने जरा, यहाँ हो, यहाँ हो। काका आ, गाम नो नाम हूँ एंडीवाड़ा। इला हूँ एंडीवाड़ा। एंडीवाड़ा, एंडीवाड़ा। तो लगभग वडोदरा थी 35 किलोमीटर जीवो से क्या? 33 वडोदरा थी खंडीवाड़ा 33 किलोमीटर। अना यहाँ थी पावागढ़ 7 किलोमीटर। तमे कोई दिशा गया पावागढ़? है? तो पेला मंदिर ना आगे नीचे भी जोवा जेव के सह गए फरवा जेवी है ना? आप आ ढाब मा पानी जेवा हूँ भरायेलो से, आ पानी जेवा भरावलो से ना? इले पेला मैं वीडियो जोयो त्यां थी ऊपर मंदिर से ना, मंदिर मंदिर ने ऊपर गई ने जीवे ने तो पहले ढाब जो भरायेलो दिखाए नीचे पानी नो, ये कहाँ से, ये कहाँ है काका? ये कहाँ आयो जे ऊपर थी आपने जोइए ने मंदिर ने ऊपर तो पछी ढाब जो भरायेलो दिखाए पानी नो नीचे, ये कहाँ आयो? काका, काका भी बिजी है और मंदिर जो आप देख रहे हो सामने मंदिर है और काका बकरी चरा रहे हैं और क्या करें, ये भी अपनी जो है काम में बिजी है। काका चल दिए। ये वह मंदिर है जो कि पहाड़ों पर स्थित है और ये पावागढ़ मंदिर है जो कि वडोदरा से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है। कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और ये तालाब भरा हुआ है पानी से और इसमें काफ़ी कमल जो है खिले हुए हैं, दूरी पे हैं तो साफ नज़र नहीं आ रहा। कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव है? हैं, क्या नाम? खंडीवाड़ा। तेरा क्या नाम है? जानू। अरे वाह जानू। हाँ,